नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर से। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। छिपकली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। रीवा जिले की मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिवली गांव में खाने में छिपकली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के बाद 3 लोगों को छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 लोगों का अभी भी उपचार चालू है। इन सभी लोगों ने घर में चिकन खाया था, जिसमें छिपकली गिर गई थी, जिसके बाद चिकन खाने से सभी की तबीयत बिगड़ गई। खाना बनाते वक्त जरा सा भी लापरवाही कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है, यह शनिवार की दोपहर हुई एक घटना से समझा जा सकता है। मनगवा के तिवनी में साकेत परिवार की एक लापरवाही ने परिवार के 5 सदस्य को अस्पताल पहुंचा दिया। दरअसल तिवनी के रहने वाले राम मिलन साकेत के घर शनिवार की दोपहर चिकन बना हुआ था, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि जो नॉन वेज वे खा रहे हैं उसमें छिपकली गिर गई है। नतीजतन खाना खाने के बाद परिवार के 5 सदस्यों को अस्पताल जाना पड़ा। चिकन खाने के बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टी और पेट में दर्द होना शुरू हो गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। फिर जिस बर्तन में चिकन बना हुआ था उसमें जाकर देखा गया तो उसमें छिपकली मरी हुई पड़ी थी। छिपकली को देखते ही परिवार के लोगों के होश उड़ गए। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए मनगवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके उसके लिए उन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में इलाज के बाद 3 लोगों की हालत सामान्य होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 लोगों का अभी भी उपचार चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो छिपकली जहरीली होती है, खाने पीने की चीजों में गिरने से जहर फैल जाता है। ऐसे में उस खाने का सेवन करने वालों का उल्टी, पेट दर्द, शरीर में जलन आदि समस्याएं हो सकती हैं। अगर खाने की मात्रा कम हो तो जहर का असर ज़्यादा होता है, जिसके सेवन से जान तक जा सकती है। खाने की चीज़ों को हमेशा ढककर रखना चाहिए। रिपोर्ट रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? क्या घटना क्या हुई? घटना हुई कि सब्जी में छिपकली गिर गई। छिपकली गिरने के कारण ये जब खाना खाने लगे तभी इनको उनको उस खाने में मिल गई, तब से बच्चे सब घबरा गए वहाँ पे देख करके। फिर वहाँ मनगवा ले गए हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर नहीं मिले, वहाँ से बोले थे रीवा ले जाओ। एम्बुलेंस को फोन करके रीवा ले आए, अब यहाँ पर ट्रीटमेंट चालू है। कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं। कितनी की उम्र थी? एक बच्चे 23 वर्ष का है, एक बच्चे 17 वर्ष का है, एक बच्ची 16 वर्ष की है, और एक बच्चा 5 साल का, एक 2.5 साल का। 5 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले आप लोग? तिवरी चौथियन टोला। डॉक्टरों ने क्या बताया अभी? डॉक्टर भी बोले कि घबराने की बात नहीं है, अभी गोली दिए हैं कि बोले खा के बैठो यहाँ पे, जैसा होगा वैसा ट्रीटमेंट कर लेंगे। और 2 बच्चों को भर्ती के लिए लिख दिए हैं, छोटे बच्चों के लिए। बच्चे आपके कौन है? हमारे भतीजे हैं, ये हमारे भाई के लड़के हैं। ठीक। तिवरी गांव से करीब 5-6 बच्चे आए हैं, उनमें से 2 छोटे बच्चे हैं, 3 बड़े लोग हैं। इन्होंने बताया है कि इन्होंने मुर्गा बनाया था, मुर्गा खाने के बाद इनको उसमें छिपकली मिली, तो उसके कारण इन लोगों को काफ़ी उल्टियाँ शुरू हो गई। हमारे अस्पताल में लेकर के आए, इनका प्राथमिक उपचार किया गया। बड़े लोग तो स्टेबल हैं, छोटे बच्चों को भर्ती की सलाह दी गई।